तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे तज़ा होराइज़न में। मेरा नाम है निहाल। तो आज मेरा दूसरा दिन है ऊटी में और आज मेरे पीछे व्यू देख सकते हैं कैसा सुबह का व्यू है। मैं अभी सो के उठा बालकनी में, पूरे क्लाउड्स नीचे आ चुके थे तो इतना अच्छा खासा व्यू है। अभी सिटी नहीं दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है पीछे से। तो अभी आज इस होटल से चेकआउट करेंगे और थोड़ा बहुत घूमते हैं वापस मैसूर और मैसूर से बैंगलोर। तो आप ये थोड़ा सा व्यू इन्जॉय कीजिए और फिर हम मिलते हैं तैयार होकर, चेकआउट कर देते हैं होटल से। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखना, बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि आज हम कवर करेंगे ऊटी की टॉय ट्रेन और कुन्नूर के टी गार्डन्स और जो प्राकृतिक दृश्य होगा। रास्ता है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, खूबसूरत है। आप वीडियो में भी देख पा रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है। और ये धूप के साथ वापस व्यू चेंज हो गया था तो मैंने सोचा मैं आपको वापस दिखा दूँ। तो आप देखिए वापस कितना सुंदर। और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए ताकि हम सब आगे देख पाएँ मिलकर ऐसे ही व्यू और कवर कर पाएँ नई चीज़ें। और प्लीज़ इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिए। तो अभी चलो चेकआउट करता हूँ मैं, नहाने धोने जाता हूँ, तैयार होता हूँ, तैयार होके मिलता हूँ और फिर चेकआउट करके चलते हैं। तो हो गया है, नहा धोके रेडी हो गया हूँ और अब प्लान कर रहे हैं यहाँ से जाने का। तो कुन्नूर के जो टी गार्डन है वहाँ पे जाने का प्लान है, तो वहाँ पे विजिट कर रहे हैं जाके। तो चलिए वहाँ पे देखते हैं कैसा है टी गार्डन और वहाँ की नेचुरल ब्यूटी। और ये था होटल जिसका बोर्ड मेरे पीछे लगा हुआ है, यहाँ पे स्टे था ला मोंटाना बाय TGI ऊटी। अगर आप लोगों को स्टे करना हो तो मैं लिंक वगैरह सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लीज़ देख लीजिएगा। मैंने बुक इसकी ऑफिशियल साइट से ही किया था, वहाँ पे थोड़ा सा सस्ता था एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेटफॉर्म्स, मेक माई ट्रिप एक्सेट्रा जो भी होते हैं, तो सब कुछ कंपेयर करके। और बहुत ही अच्छा और प्यारा स्टे था। आप मेरे पीछे व्यू देख सकते हैं, अभी भी ऐसा है होटल, ये बिल्कुल टॉप फ्लोर है -3 में जाके जहाँ से पहाड़ चालू होता है वहाँ से इसके रूम्स और कॉटेजेस बने हुए हैं। तो बहुत अच्छा खासा व्यू है। प्लीज़ ऊटी आए, अगर आपका मन हो तो यहाँ स्टे करिए, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, मेरा बहुत अच्छा था। तो चलिए अब चलते हैं टी गार्डन कुन्नूर के और देखते हैं कैसे हैं वो। तो चलें मिलते हैं वहाँ चल कर। तो दोस्तों अभी होटल से निकल गए हैं और कुन्नूर की तरफ चल पड़ा हूँ मैं टी गार्डन देखने के लिए और आप लोगों को दिखाने के लिए। तो ये टी गार्डन जाने का और कुन्नूर जाने का रास्ता काफ़ी हरा भरा और सुंदर है, जैसा कि सामने आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और इससे भी ज़्यादा सुंदर है ऊटी से वापस मैसूर जाने का रास्ता, क्योंकि जिस रास्ते से आए थे वो वन वे था और जाने का रास्ता दूसरा था, जो कि बाद में हमें पता चला, वो मैं आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगा। और प्लीज़ ज़रूर देखिएगा क्योंकि वैसा रास्ता मैंने भी कभी नहीं देखा था, कि क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो हम उसका आनंद बाद में लेंगे, अभी हम चलते हैं कुन्नूर की तरफ। और कुन्नूर जाते जाते मेरे को कुन्नूर के रेलवे स्टेशन पर खड़ी हुई मिल गई थी ऊटी से कुन्नूर तक की टॉय ट्रेन, जो मैं आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगा, पूरी अच्छी तरीके से कवर करेंगे और बताऊंगा कि कैसे बुकिंग करी जा सकती है, क्योंकि मैंने भी ट्राई किया था बुक करने का और IRCTC में तब वो अवेलेबल नहीं थी बुक करके। तो चलिए अभी कुन्नूर चलते हैं और टी गार्डन देखने से पहले हम रुकेंगे रेलवे स्टेशन टॉय ट्रेन कवर करने के लिए। तो चलो अभी वहाँ चलते हैं। और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं टॉय ट्रेन ऊटी से कुन्नूर वाली, और बहुत ही अच्छा और खूबसूरत लग रहा है रेलवे स्टेशन। कुन्नूर पहुंच चुका हूं मैं और ये कुन्नूर का ही रेलवे स्टेशन, आप ट्रेन देख सकते हैं और ये उसका इंजन, नैरो गॉज की ट्रेन है ये। और मैं आपको अभी पटरी भी दिखाता हूं। और ये इंजन टॉय ट्रेन का मेरे पीछे। तो ये पटरियां नैरो गॉज की, जो कि काफ़ी पतली पटरी होती है, आपने देखी। और अभी मैं ट्रेन के बारे में आपको बता देता हूँ। तो ये था इंजन, काफ़ी अच्छे और सुंदर ट्रेन के कोचेज़ हैं पीछे। इसमें भी दो क्लास हैं, फर्स्ट क्लास और एक दूसरी सेकंड क्लास और नॉर्मल क्लास। और ट्रेन की सारी डिटेल्स कैसे बुक करनी है, ट्रेन नंबर, ट्रेन के टाइम, कन्नूर से ऊटी का और ऊटी से कन्नूर का, सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपसे अगर IRCTC या उसके ऐप से बुक नहीं होती है तो आप यहाँ पे जाके स्टेशन पे भी आधा घंटा पहले बुक कर सकते हैं। तो मैं जो दिन में 4 बार चलती है ऊटी से कन्नूर, कन्नूर से ऊटी, हर किसी ट्रेन नंबर का डिटेल्स मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में और टाइम, तो आप उसके अकॉर्डिंग बुक कर सकते हैं। और आप मेरे चेहरे पे देख ही सकते हैं मेरे को कितनी खुशी थी टॉय ट्रेन देखने की, जो कि अचानक खड़ी मिली कुन्नूर के रेलवे स्टेशन पे। तो फर्स्ट क्लास की विंडोज़ काफ़ी बड़ी होती हैं, आप सेकंड क्लास की देख रहे हैं छोटी है, तो उसमें व्यू जाहिर सी बात है अच्छे से इन्जॉय होगा। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ टी फार्म और कुन्नूर में जो टी फार्मिंग होती है उसकी, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितने अच्छे से ये फार्म बना हुआ है। ये देखिए बहुत अच्छी खेती हो रखी है चाय की, और पास में ही स्टोर भी है जहाँ पे यहाँ पे उगाई हुई चाय मिलती है, अगर किसी को चाय पसंद हो तो वो ले सकता है। आप मेरे पीछे देखिए पूरा नीचे तक ये टी फार्मिंग हो रखी है, स्टेप फार्मिंग काइंड ऑफ फॉर्मेशन है। और ये मेरे पीछे भी पूरा हरा भरा, और देखिए कितना सुंदर माहौल है और नज़ारा है, मतलब बादल नीचे आ चुके हैं तो पूरा कोहरा कोहरा है, ज़्यादा कुछ तो नहीं दिख रहा लेकिन जो भी है बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर लग रहा है। बादल हट जाता है पूरा दूर तक, ऐसी फार्मिंग दिखती है जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं। ये देखिए, तो
ऐसा व्यू रहता है पूरा, और ये ऊपर से नीचे तक, और बीच बीच में रास्ते बनाए हुए हैं जहाँ पे मैं खड़ा हूँ आने जाने के लिए। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, खेतों के बीच में जाने के लिए बेसिकली। तो टी गार्डन पहुँच के बहुत ही सुंदर नज़ारा था, बादल नीचे आए हुए थे और बहुत ही कुदरती और नेचुरल फील हो रहा था। पत्ते हिल रहे थे, ओस गिर रही थी, हवा भी चल रही थी, और आपने वीडियो में देखा है कितना सुंदर है। तो ये नज़ारा देखिए, बादल थे और अभी अचानक से थोड़ी सी बादल हट जाएंगे और हल्की सी बहुत धूप आएगी, तो उससे भी मैं आपको टी गार्डन टी फार्मिंग का नज़ारा दिखाता हूँ। देखिए तो ऐसा नज़ारा होता है टी गार्डन का, बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा लगता है, आपको ज़रूर जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा शांति मिलती है मन को जाके, क्योंकि पूरा ही नेचुरल एक्सपीरियंस होता है, चारों तरफ खेत हरियाली। ये ऐसी जड़ें होती हैं चाय के पौधे की जहाँ टी फार्मिंग होती है, तो ये ऐसा है और ऊपर से ऐसा दिखता है, आप देख सकते हैं। ये देखिए तो पूरा ये चाय की खेती है, जैसे टी गार्डन कुन्नूर में आए तो प्लीज़ विजिट। तो ये चाय का फैक्ट्री आउटलेट जहाँ पे टी गार्डन है, जहाँ हम गए थे वहाँ पे उनकी फैक्ट्री है उसी के नीचे, और ये उसी का फैक्ट्री आउटलेट है। तो यहाँ पे आए तो यहाँ पे चाय ज़रूर ट्राई करिए, यहाँ की ग्रीन टी मसाला टी काफ़ी अच्छी है, मैंने टेस्ट करी, उसके बाद ये मैंने भी ली है घर के लिए। तो आप भी आएँ तो अगर आपको चाय पसंद है तो आप ले सकते हैं। तो आप देखिए बाकी वीडियो में किस किस टाइप की टीज अवेलेबल हैं, और आपको पसंद हो तो आप प्लीज़ लीजिए, बहुत अच्छी चाय है सच में। तो चाय के अलावा इनके पास तेल, बाम ऐसी चीज़ें भी, परफ्यूम भी अवेलेबल हैं। तेल काफ़ी अच्छा था, मैंने ट्राई किया था, एक लौंग का लिया भी था, काफ़ी इफेक्टिव है, और काफ़ी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अब ये चाय देख लिए, चाय टोटल 6 तरीके की हैं अवेलेबल, और एक ग्रीन टी भी है जिसमें से मैंने कड़क चाय, मसाला चाय और ग्रीन टी ली थी, अदरक वाली चाय भी है, और ये चाय के मसाले अगर आप खुद बनाना चाहें। तो अभी टी गार्डन और टॉय ट्रेन देख के कुन्नूर से वापस ऊटी के लिए निकल चुके हैं। प्लान ये है कि ऊटी पहुंच के थोड़ा सा लंच करेंगे और फिर ऊटी से मैसूर के लिए निकलेंगे, और फिर मैसूर से बेंगलोर की ट्रेन है ही। तो आप ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है वापस आते समय, और बहुत ही सुंदर रास्ता है कुन्नूर से ऊटी का भी। और अभी जो ऊटी से मैसूर जाएंगे और भी ज़्यादा काफ़ी सुंदर है, तो उसको तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था वो रास्ता देखने का। और आप सामने पहाड़ पे देख सकते हैं ये वही पाइन ट्रीज़ और लंबे पेड़ जो काफ़ी सारी मूवीज़ में दिखाया जाता है, काफ़ी सारी मूवीज़ की शूटिंग होती है। तो काफ़ी सुंदर और अच्छा रास्ता है, आप थोड़ा सा रास्ता इंजॉय करिए, और फिर हम ऊटी चल के खाना खा के मिलते हैं, और फिर वहाँ से हम निकलेंगे ऊटी से मैसूर के लिए। ये रास्ते में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं टी फार्मिंग कितनी अच्छे से और सुंदर लग रही है। देखिए पूरा व्यू है टी फार्मिंग का मेरे पीछे, और बहुत ही अच्छे से ऊपर से नीचे तक टी फार्मिंग कर रखी है, बहुत अच्छा लग रहा है ये सीन। तो ये कुन्नूर से ऊटी के सिटी की तरफ वापस जाते हुए टी फार्मिंग अगर आपको यहाँ पर देखनी है तो आप यहाँ पर रुक के देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा व्यू है। तो अभी कुन्नूर से आने के बाद ऊटी से वापस जाते हुए खाना खाने के लिए यहाँ पे मद्रासी रेस्टोरेंट है, वहाँ रुके थे, और यहाँ पे बहुत ही अच्छा खाना था। अगर आप लोगों को भी खाना खाना है, मतलब इडली सांभर डोसा तो ऑलमोस्ट हर जगह मिल जाएगा, लेकिन नॉर्थ इंडियन फूड अगर कोई नॉर्थ से आ रहा है उसको चाहिए लंच या डिनर के लिए, तो यहाँ पे आके खा सकता है, टेस्ट बहुत अच्छा है। स्पेशली पनीर टिक्का तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो उनके फोटोज़ मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर शेयर किया, अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ पर देखिए, और यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। और ये ज़्यादा दूर भी नहीं है, ऊटी से जो मेन ऊटी है उससे 1-2 किलोमीटर ही दूर है, और अगर आप बेंगलोर या मैसूर से आए तो आपको हाईवे के बीच में ही पड़ेगा ऊटी पहुँचने के जस्ट 1-2 किलोमीटर पहले। तो आप यहाँ पे खाना खा सकते हैं, बहुत अच्छा खाना था। तो आप ऊटी से वापस मैसूर जा रहे हैं बाय रोड, तो मैसूर चल के मिलते हैं, और मैसूर से फिर वही ट्रेन है बेंगलोर की, तो चलिए चलते हैं। ये है मद्रासी रसोई, और ये ऐसा इसका बॉर्डर रोड पर, और ये सामने जहाँ ऊटी जाते हुए आप खा सकते हैं, और अगर यहाँ बेंगलोर या मैसूर आ रहे हैं तो पीछे से ये रोड है जहाँ से आप आएंगे और आप इस तरफ जाएंगे।
तो उससे बीच में रास्ते में पड़ेगा मद्रासी रसोई, और आप खाना चाहते हो तो प्लीज़ यहाँ खाइए, खाना बहुत अच्छा है। तो हुआ कुछ यूँ कि हम ऊटी से खा पी के टाइम से, जितना टाइम हमें लगा था आने में उसी टाइम के हिसाब से ऊटी से निकल गए, जो कि ऊटी का स्टे काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। होटल मैंने आपको पिछले वाले व्लॉग में वीडियो में दिखाया और आज भी दिखाई जगह जा जा हम घूमने गए, बहुत ही मज़ा आया और लगा कि हाँ अच्छी घूमने की जगह सच में। किसी ना किसी को जिसको हिल स्टेशन घूमना हो वो घूमे, ज़रूर घूमे, क्योंकि सच में ऊटी को क्वीन ऑफ हिल्स नाम से ही दिया गया, बहुत ही सुंदर जगह है। और मैंने कवर करने की कोशिश की है जितना मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ, आप लोगों को देख के अच्छा लगे। जैसे कि ये रास्ता, ऐसा मैं कोशिश कर रहा था कि मैं कुछ कुछ एडिट करते समय कट करूँ, मगर बिल्कुल मेरी इच्छा नहीं, वापस देख के भी मैं वापस आके भी एडिट करते टाइम देख रहा था तो बहुत अच्छा लगा, तो मैंने डाला है। आप लोग प्लीज़ एंजॉय करिए इस रास्ते को। तो हम निकले थे, मगर जहाँ पे से ऊटी का हाईवे स्टार्ट होता है वहाँ पहुँच के पता चला कि वो आने वाला वन वे था, जैसा मैंने लास्ट व्लॉग में बताया, और हमें लेफ्ट साइड मोड़ दिया गया। वो भी ऊटी जाने का रास्ता था, लेकिन डिफरेंस ये था कि वो 40 किलोमीटर्स बढ़ जाता है, डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर्स बढ़ता है, मगर पहुँचने का टाइम 1.5 घंटे से 2 घंटे करीब बढ़ जाता है, क्योंकि टर्न्स काफ़ी ज़्यादा हैं, आप देख पा रहे हैं वीडियो में, तो आप यहाँ पे ज़्यादा तेज़ भी नहीं चला सकते। तो हमारी ट्रेन थी शाम को 7 बजे की, अब वहाँ पहुँचने का टाइम 7:30 बजे दिखा रहा था। मैंने पूरी कोशिश करी चला पाऊँ मैं, जैसे कोशिश कि ओवरटेक करूँ ये करूँ, मगर वो तो नहीं हो पाया। लेकिन ये रास्ता देखने के लिए मिल गया जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर था और बहुत अच्छा लगा यहाँ से जाते हुए। हालांकि इतना ज़्यादा सुंदर था कि हर थोड़ी देर में रुकने का मन करता था कि रुक के आप ये व्यू एंजॉय कर लो, लेकिन मैं वो तो नहीं कर पाया। हाँ, लेकिन जाते जाते जितना एंजॉय कर पाया हूँ मैं, आप लोगों के लिए भी रिकॉर्ड किया। आप देखिएगा आगे वो जो पाइन ट्रीज़ होते हैं और लंबे वाले ट्रीज़ आते हैं वापस, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फिल्म की शूटिंग्स भी होती हैं तो वो भी हैं, और उनका एक फॉरेस्ट ही है बेसिकली, तो वो भी काफ़ी अच्छा अभी वीडियो में आगे आएगा। और उसके बाद जो बांदीपुर से फॉरेस्ट एरिया से कवर करते हुए हम निकलते हैं तो वो पोर्शन भी है, और वहाँ पे लकीली इस बार हमें हाथी काफ़ी अच्छे से दिखा, बिल्कुल रोड के बगल में ही हिरण भी मैंने रिकॉर्ड किया आप लोगों के लिए, तो आप देखिएगा वीडियो में, बताइएगा कैसा लगा कमेंट करके। तो आप रास्ता एंजॉय करिए, मेरे को काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगा तो मैंने इसलिए थोड़ा बहुत रास्ता लंबा डाला है, और आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो कमेंट करके बताइए आप लोगों का रास्ता अच्छा लगा, और आप लोग अब ऊटी जाना चाहेंगे व्लॉग देखने का, तो प्लीज़ अगर वापस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, आप लोगों के सपोर्ट से ही मोटिवेशन मिलता है अच्छी अच्छी जगह कवर करने का साथ साथ, और फिर साथ साथ नई नई जगह हम घूमने जाएंगे। तो अभी निकल गए थे मैं वापस, पूरा तेज़ ड्राइव कर रहा था, तो हमारी ट्रेन तो छूट गई थी, तो मैंने दूसरी ट्रेन रात को 9 बजे वाली करी मैसूर से बेंगलोर के लिए। लेकिन ये जो मेमोरीज़ हैं और ये जो रास्ता है सच में बहुत ज़्यादा अच्छा था, तो मैं खुश था ट्रिप के एंड में कि बहुत ज़्यादा अच्छा रास्ता देखने को मिला। तो आप लोगों के लिए यही मैं बोलूँगा, अगर ऊटी से निकलें तो थोड़ा सा टाइम गैप ज़्यादा लेके निकलें, क्योंकि जाने का रास्ता थोड़ा 40 किलोमीटर लंबा है अगर आप ऊटी से मैसूर जा रहे हैं या बेंगलोर जा रहे हैं, लेकिन आप लोगों को मज़ा बहुत ज़्यादा आएगा। और मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप एक पूरा दिन लेके निकलें अगर ड्राइव करके जा रहे हैं तो, क्योंकि रास्ते में बहुत सारी जगह ऐसी आएंगी जहाँ पे आपको रुक के देखने का मन करेगा और आप रुकेंगे भी, तो इसलिए थोड़ा टाइम रहेगा। तो ऐसा था ये वीडियो, और ये आप देख सकते हैं लंबे पेड़ जो पाइन ट्रीज़, और उनका ये फॉरेस्ट स्टार्ट हो चुका है लेफ्ट में, और अभी सामने बहुत ज़्यादा डेंस आएंगे जो कि बहुत सुंदर सीन है। तो चलिए अब आप रास्ता एंजॉय करिए, और अब हम मिलते हैं थोड़ी देर में।
तो फॉरेस्ट रिजर्व एरिया में एंटर करने के बाद हमें ये देखने के लिए मिला, चूँकि शाम को थोड़ा लेट हो चुका था, नियरली 6 अराउंड, और 6 बजे के बाद से एनिमल्स नीचे आने लग जाते हैं। तो हमें 2 हाथी और उनका बच्चा देखने को मिला, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। आप भी देखिए वीडियो में कितना अच्छा है। ज़्यादा रुके नहीं क्योंकि अलाउड नहीं होता, और वैसे भी मैंने आपको बताया मैं लेट हुआ था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिला और बहुत खुशी हुई इसको देखने के बाद। ऐसे ही मैंने हिरन का भी रिकॉर्ड किया, आगे दिखाता हूँ आपको। तो ये वहीं पे ही मधुमलई टाइगर रिजर्व में डियर्स मिले, जो रोड के जस्ट बगल में इतनी पास से व्यू है। एलिफेंट्स, डियर्स, पिकॉक और भी काफ़ी सारे एनिमल्स हैं, आप देख सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा रास्ता है। तो दोस्तों अभी मैसूर वापस आ गए हैं, जुमरा की कार थी वो हमने वापस रिटर्न कर दिया, आप मेरे पीछे खड़े हुए देख सकते हैं। तो अभी 1 घंटा ज़्यादा लगा वापस आने में, क्योंकि जिस रूट से हम ऊटी पहुँचे थे वो केवल वन वे था, वहाँ पर हेयरपिंस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो काफ़ी डेंजरस है वो, तो केवल वन वे है। तो हमें दूसरे रूट पर रूट किया, तो वहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 40 किलोमीटर डिस्टेंस ज़्यादा है, तो आने में 1 घंटा अप्रॉक्सीमेटली ज़्यादा लगा। तो अभी मैं मैसूर रेलवे स्टेशन जाऊँगा, मैसूर जंक्शन जाऊँगा, वहाँ से फिर बेंगलोर की ट्रेन है, तो चलिए बेंगलोर चल के मिलते हैं। तो सर अभी मैं आ गया हूँ मैसूर से बेंगलोर वापस। तो 2 दिन का ऊटी का ट्रिप था जो कि कम्प्लीट हो गया। तो वीडियो को देख के बताइए कैसा लगा आपको ये वीडियो, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ ऊटी को विजिट कीजिए, बहुत ही सुंदर जगह है, उसका सही नाम है क्वीन ऑफ हिल्स। सच में वन ऑफ द मोस्ट नेचुरल प्लेसेस में से एक है, जहाँ भी आज तक मैं गया हूँ ऐसे मतलब हिल स्टेशन पे, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, प्लीज़ विजिट करिए। और सबसे अच्छी बात है कि वहाँ का जो नेचर है वो मेंटेन है, किसी भी मतलब इंसान द्वारा जैसे हम होते हैं पॉल्यूशन फैलाते हैं, गंदगी करते हैं, तो वो ख़राब नहीं किया गया। मेरी भी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप वहाँ पे जाएं, जैसे वो प्लास्टिक फ्री है वहाँ पे, प्लास्टिक मैंने, तो प्लीज़ वहाँ पे प्लास्टिक कहीं पे भी डिस्पोज ऑफ ना करें, मतलब यूज ही नहीं करें, वहाँ मिलेगा ही नहीं। और अगर आप कहीं पे फेंकना है उसका 1000 रुपीज़ फाइन है, तो प्लीज़ वहाँ पे प्लास्टिक को कहीं पे भी ना फेंकें और उसकी सुंदरता को मेंटेन रखें। लेकिन हाँ, ऊटी जाएँ विजिट के लिए, बहुत ही सुंदर जगह है। और जब आप उधर बेंगलोर से मैसूर से ऊटी जाएंगे, तो बांदीपुर फॉरेस्ट रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व और मधुमलई टाइगर रिजर्व के बीच में जो चेक पॉइंट है, वहाँ पे आपकी 3 चीज़ें चेक होंगी, वैक्सीन सर्टिफिकेट, आरटीपीसीआर रिपोर्ट जो कि 72 आवर्स से पुरानी नहीं होनी चाहिए ऑब्वियसली, और आपका ई पास जो आपको तमिलनाडु गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके जनरेट करना पड़ता है। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मेरे को भी काफ़ी प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि यूट्यूब पे कोई भी वीडियो हिंदी में अवेलेबल नहीं है इसके लिए। और बताइए फिर कैसा लगा ब्लॉग, 2 दिन का ट्रिप था। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।